हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर एक वीडियो जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉपिक हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी करवाया जा चुका है। जिस पेड ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पे बेस्ड एक पेड ग्रुप है जो कि 2 महीने से सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग की तरफ से 1 अप्रैल से एक नया पेड ग्रुप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस इंडिविजुअल डाउट सेशन और पीडीएफ और वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी वाले ग्रुप में हम लोग पहले से कराते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये वाला पेड ग्रुप मल्टीपल एग्जाम्स को सर्व करेगा। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है उसके लिए भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं सबको वो अलग अलग सर्व करेगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करें। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस पेड ग्रुप से जुड़ने का और स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने का, वो इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बताइए सभी, अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर्स वाइड इन 75 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 250 मीटर है और टाइम दिया हुआ है 75 सेकेंड में, तो ये बताइए आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में। आपसे पूछा किस में? किलोमीटर पर आर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर जाने का मतलब है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना। तो मतलब बड़ी फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 2 5 10 मतलब 5 2 10 ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 36/3 कितना होता है? 12। 12 किलोमीटर पर आर की उसकी स्पीड है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर, हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। कोई ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आर की, उसको कितने सेकंड लगेंगे 800 मीटर को कवर करने के लिए? तो यहाँ पे आपको सेम स्केल पर लाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है मीटर में और ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड जो कि 45 किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखी है, इसको छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 9 2 18, 9 5 45। डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पे 800 मीटर का, 800 मीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये फॉर्मूले में बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए बस, दूरी बराबर चाल इंटू समय, वहीं से हमने ये निकाला है। 800/25 ये बाई टू, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद में 25 से काटेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 32 बार में, 32 दूनी 64, तो इतने ही सेकंड लगते हैं इस ट्रेन को 800 मीटर को कवर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर, एंड एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स प्लेस ए एट 6 AM एंड रन एट अ स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आर। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 आवर 20 मिनट, इट रीचेस बी एट। ये प्लेस ए है, ये बी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 999 किलोमीटर। प्लेस ए से एक ट्रेन चलती है 6 बज के, एग्जैक्टली 6 बजे वो यहाँ से रवाना होती है बी स्टेशन जाने के लिए। उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है 55.5 किलोमीटर पर आर की, तो ये बताइए टाइम कितना लगेगा उसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा, 111 से कैंसिल करेंगे 9 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 2 10, तो 18 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ से 12 घंटे सबसे पहले आगे करेंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप 6 घंटे आगे करेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे, 12 AM। गाड़ी जो है वो 12 बजे मध्य रात्रि में पहुँच जाती स्टेशन बी पे, लेकिन वो 1 घंटे 20 मिनट रुकी है। इसका क्या मतलब है? उसको इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा है। तो 12 बजे से 1.20 आवर्स आगे करेंगे तब आपको मिलेगा 1:20, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को ध्यान से टिक करिएगा, यहाँ पे AM आएगा PM नहीं, क्योंकि रात के 1 बजे हमेशा AM होता है, PM नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आर, हाउ मच डिस्टेंस?
वुड अ ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर आर लेस देन दैट ऑफ द कार इन टाइम विच इज 7 आवर्स मोर देन दैट टेकन बाई अ कार। दो लोगों की बात हो रही है, मतलब दो ऑब्जेक्ट की, दोनों मूविंग है, पहली है कार और दूसरी आपकी ट्रक। जहाँ तक कार का हिसाब किताब है तो कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 528 किलोमीटर का। स्पीड में कितनी थी वो कार, मतलब ऑन एन एवरेज 66 किलोमीटर पर आर, ये बताइए टाइम कितना लगा होगा इसको। तो 528/66, 11 एक फैक्टर है तो 11 6 = 66, 11 4 = 44 = 88, तो 11 8 = 88, तो 6 8 = 48, तो टाइम कितना आ गया, 8 घंटे में कार इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। उसके बाद जहाँ तक ट्रक का सवाल है, तो जो ट्रक की स्पीड है वो 24 कम है, कार की कितनी थी 66, तो ट्रक की कितनी हो जाएगी, 66 - 24, तो ये हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आर। एकदम रियल लाइफ का क्वेश्चन है। ट्रक जो है वो जाम की वजह से फंस जाते हैं, इस वजह से धीमे चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि जो ट्रक है वो 7 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, तो कार लेती है 8 घंटे, तो ट्रक कितना लेगा, 8 + 7 यानी 15 घंटे, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा जो ट्रक है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड बराबर 42, डिस्टेंस टाइम आपको दे रखा है 15 घंटे का, तो 42 × 15 होता है 630, तो 630 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था इसने, ट्रक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है सवाल के हिसाब से, लेकिन सी दो बार है तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डी होगा। अगला देख लीजिए इसमें, अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आर एंड द रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इज। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2x है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से x। अब ये जो स्पीड है यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आर की है और यहाँ पे जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आर के हिसाब से दी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में टाइम अलग लगेगा t1, यहाँ पे टाइम t2 लगेगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है भले ही डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो टोटल टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों टाइम को जोड़ के, तो t बराबर t1 प्लस t2, तो t टोटल कितना दे रखा है 10 घंटे का, तो 10 घंटे टोटल टाइम लगता है। कैसे लगता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इस केस में डिस्टेंस क्या है, एक्स है। स्पीड कितनी दे रखी है 40, उस केस में भी डिस्टेंस एक्स है लेकिन स्पीड है 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, डबल करिए, आंसर निकालिए, तो 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, 40 इससे 3 गुना है तो 3x, 60 उससे 2 गुना है तो 2x, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से 5x इज इक्वल टू अपॉन में 120 है तो 5 × 2 = 10, x की वैल्यू 240 है तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 24 × 48, 480, 480 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम इट इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड। किसी भी कारण से एक प्लेन 30 मिनट की देरी से अपने सोर्स से चलता है, मतलब जहाँ से उसको जाना है 30 मिनट की देरी से वो रवाना होता है, लेकिन उसकी डेडलाइन है कि उसको यहाँ पे मान लीजिए पहुँचना है, लेकिन समय पे पहुँचना है, 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं है, तब वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है अपनी स्पीड बढ़ाएगा। तो उसने बढ़ा दिया स्पीड, अपनी बढ़ा दी, पहले से 250 किलोमीटर ज़्यादा तेज गति से वो चलने लगा। आपको ये बताना है कि अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता तो कितनी गति से वो चलता। डिस्टेंस आपको दे रखा है 1500 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट का है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो समय में भी तो फर्क आएगा ना, आप ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो इसका मतलब कम टाइम लेंगे आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लेंगे आप। तो ये जो 30 मिनट है ये टाइम के बीच का डिफरेंस है। अब डिफरेंस को कैसे लिखा जाता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करके। इसके बाद आप मान लीजिए कि शुरू में स्पीड जो थी वो एक्स किलोमीटर पर आर की थी, उसके बाद जो नई स्पीड बनी, न्यू वेलोसिटी बराबर हो जाएगी 250 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 250, ये आपकी नई स्पीड है, ये पहले की स्पीड है, आपसे एक्स ही पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में दिया हुआ है कि टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का है यानी आधे घंटे का है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो भी आर में ही होगा, तो आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले भी 1500 था लेकिन स्पीड पहले थी x, उसके बाद हो गई
एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 250, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आधे घंटे का है। तो कैसे इसको लिखेंगे, आधे घंटे। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, चाहे तो ऑप्शन रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि मैंने इससे इसको क्यों लेस किया, इससे इसको क्यों नहीं लेस किया, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। और डिफरेंस किसके बीच में लिया जाता है, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में। तो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है जबकि यहाँ पे बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो ऑप्शन रखते हैं, पहले ऑप्शन के हिसाब से एक्स की वैल्यू 720 है, तो 1500 बटे 720, 72 इसका फैक्टर नहीं है, तो पॉइंट में बहुत ज़बरदस्त आंसर आएगा जो कि आपको चाहिए नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 730 भी फैक्टर नहीं है, 740 भी फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 750। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ ये कैसे सही है। आप नीचे रखिए एक्स की जगह पे 750, यहाँ पे आ जाएगा 1500, और 750 प्लस 250 कितना होता है, 1000। तो यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो गए, 15/10 यानी 1/2, मतलब 3/2 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 1.5 कितना होता है, 0.5, और 0.5 को ही 1/2 कहते हैं। तो इस वजह से ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। सेम टाइप का सवाल ये भी है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इफ एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स, वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। पहले स्पीड पूछा था, अब की बार टाइम पूछा है, आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। तरीका वही है करने का, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 मिनट का, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो गई तो टाइम में फर्क आएगा ना, यही फर्क 30 मिनट का है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600 किलोमीटर दे रखा है, पहले जो स्पीड थी उस आपने एक्स मान ली, और दूसरी बार स्पीड कम होके हो जाएगी 600/x-200, क्योंकि 200 किलोमीटर से कम हो गई। उसके बाद इक्वेशन आप बना लीजिए, 600/x-200 -600/x, और ये आधे घंटे का टाइम डिफरेंस आपको मिल गया। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए ऑप्शन के थ्रू, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन आप नहीं रख सकते, थोड़ा लॉजिकल इसमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, किसी को डाउट हो सकता है कि मैंने इसको इससे क्यों लेस किया, उल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जबकि डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है तो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा। डिफरेंस हमेशा बड़ी से छोटी वैल्यू के बीच में होता है। चलिए समझते हैं इसको। पहला ऑप्शन है 1 घंटा। अब ये बताइए 1 घंटा लगेगा कब, 1 घंटा तब लगेगा जब एक्स की जगह पे 600 आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस 600/x था, मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो 600/x, 600 यहाँ पे डिस्टेंस था, और x तो आपने शुरू में स्पीड मानी थी, तो यहाँ पे शुरू में टाइम कितना लगा होगा, वही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1 घंटा रहा होगा। 1 घंटा कब रहा होगा, यही तो सवाल है। तो जब ये 600 होगा x, तो x अगर 600 है तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो 600/600 -200, और यहाँ पे 600/600 ये तो 1 आ जाएगा, और 600/400 कितना हो जाएगा, 200 से 2 बार गया, 200 से 3 बार गया, तो 3/2 -1, तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 होता है, जिसका मतलब होता है हाफ, और यहाँ पे हाफ ही हमें दे रखा है। इसका मतलब इस ऑप्शन को हम फाइनल टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज द हॉर्स आफ्टर एवरी 7 किलोमीटर। द टाइम ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर इज, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, 10 किलोमीटर की गति है। ये बताइए कि अगर वो कहीं पे ना रुका होता घोड़ा बदलने के लिए या फिर किसी भी कारण से, तो वो कितनी देर में पहुंचता, 70/10 यानी 7 घंटे। उसको 7 घंटे उस सिचुएशन में लगते जब वो कहीं पर भी रुकता नहीं, लेकिन वो तो रुका ना, किस लिए रुका, घोड़ा बदलने के लिए। हर 6 मिनट के लिए रुकता है, कब, हर 7वें किलोमीटर में। तो ये बताइए 70 किलोमीटर के अंदर 7 किलोमीटर कितनी बार आता है, तो 10 बार आता है। तो कुछ लोग को लगेगा कि वो 10 बार रुका होगा, लेकिन नहीं, जब वो 10वीं बार रुकेगा यहाँ पे, तब ये बताइए कहाँ पे होगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पे होगा, अपने घर पे होगा। ये बताइए कि जब वो 10वीं बार अपने घर पे पहुँच चुका है, तो क्या उसे घोड़ा बदलने की ज़रूरत है, तो नहीं। तो इसका मतलब कुल मिला के जो नंबर ऑफ स्टॉप्स आ जाएंगे, मतलब कितनी बार वो रुका, वो आ जाएंगे 10 -1। -1 क्यों किया, आपको समझ में आता होगा, तो 9, तो 9 बार वो कुल मिला के रुका है।
हर बार रुकने के लिए वो कितने मिनट वेस्ट करता है। तो 6 मिनट तो टोटल टाइम उसने कितना खपाया, 9 6 54, तो 54 मिनट यहाँ से, 7 घंटे यहाँ से, तो 7 घंटे 54 मिनट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, नंबर ऑफ स्टॉप्स 10 क्यों नहीं है, 9 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब वो 10वीं बार रुकेगा ना, वो अपने घर पे होगा, और घर पे पहुँचने के बाद उसको घोड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, तो नहीं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अभय की स्पीड आपको बतानी किलोमीटर पर आवर में कितनी है। दो लोग हैं, अभय और एक है समीर, और दोनों के पास एक ही काम है, इन लोग को 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और आपको कंडीशंस दे रखी हैं उस हिसाब से आपको बात करनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने से अच्छा हम लोग ऑप्शन मेथड का यूज़ करेंगे। जो पहला ऑप्शन है उसके हिसाब से अभय की स्पीड 5 है, तो डिस्टेंस 30 है, स्पीड 5 है, इसका मतलब अभय को 6 घंटे लगते हैं, और दिया हुआ है कि अभय को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो समीर को तो ऑब्वियस सी बात है 4 घंटे लगते होंगे। उसके बाद है, अगर अभय अपनी स्पीड बढ़ा के 2 गुनी कर ले, 2 गुनी करने का मतलब वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आर के हिसाब से ना चल के 10 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चले, तो उसको 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे ना उसको, पहले 6 घंटे लगते थे, अभी 3 घंटे लग रहे हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में उसको समीर से 1 घंटा कम लगता, तो ये रहे 3 घंटे, ये रहे 4 घंटे, तो 3 और 4 के बीच में क्या 1 का डिफरेंस नहीं है, तो है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। 3 कार्स ट्रैवल एट अ डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल इज 3:2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। 3 कार हैं और उनकी जो डिस्टेंस ट्रैवल है उनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब जो पहली कार है वो 1 के मल्टीपल में ट्रैवल करती है, दूसरी कार 2 के, और तीसरी कार 3 के मल्टीपल में डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। तो D1:D2:D3 ये कितना दे रखा है, 1:2:3। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। टाइम कितना दे रखा है, T1:T2:T3 ये दे रखा है, 3:2:1। उसके बाद में स्पीड आपको बतानी है, V1:V2:V3 क्या है। स्पीड को ऐसे क्यों नहीं लिखा, V से ही क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है मैथ्स में, फिजिक्स में डिफरेंट होती है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है हमको, 2/2 ये हो जाएगा, 3/1 ये 1 हो जाएगा, तो 1/3:2, 1:3। 3 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तीनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 3 9, तो 1:3:9 का फाइनल रेशियो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये था फ्रेंड्स टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 1। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, आप अपने रिस्पेक्टिव डिस्कशन ग्रुप में कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और आप किसी डिफरेंट टॉपिक पे डाउट सेशन बनवाना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस को सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।